से एक बहुत ही महत्व की लक्ष्य विधि सभागृह के अंदर आई है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि केंद्र सरकार की टफ स्कीम से मालेगांव शहर के अंदर 25 यूनिट वाटर जेट, एयर जेट और ऐसे मॉडर्नाइजेशन पावर लूम के यूनिट लग गए हैं टफ स्कीम से, और जो केंद्र सरकार 10% उसको सब्सिडी देती है, राज्य सरकार की 10% सब्सिडी है और उसके बाद जो ब्याज सब्सिडी है, लेकिन केंद्र सरकार की सब्सिडी जो 25 यूनिट जो मालेगांव के अंदर लग गए उनको रिलीज हो गई है, लेकिन 6 महीना हो गया जो प्रस्ताव आप मंत्रालय के अंदर आपके डिपार्टमेंट के अंदर आके प्रलंबित है, लेकिन अभी तक उसकी सब्सिडी अभी तक रिलीज नहीं हुई, क्या आप उसका सब्सिडी रिलीज करने वाले हैं? एक प्रश्न। दूसरा मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि मालेगांव शहर के अंदर MIDC का नया लेआउट हो रहा है, हमने वारंवार निवेदन किया है कि जो पीछे जो हमारे महाराष्ट्र की जो हालत हुई थी, जो पाली बारोत्रा के अंदर प्रोसेसिंग डाइंग के लिए हमारा कपड़ा महाराष्ट्र का जाता है तो वहां पर जब स्टे आ जाता है तो पूरा हमारा कारोबार रुक जाता है, तो इसके लिए क्या आप उद्योग डिपार्टमेंट को वो लेआउट के अंदर प्रोसेसिंग के लिए जगह आरक्षण करने के लिए आदेश देंगे क्या? ये मेरा 2 प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, मी मगाही सांगितलं की आपले प्रस्ताव आलेले आहेत, ते तपासून मालेगावचे असतील ते करून देतो, आणि MIDC जो दुसरा विषय आहे ती माननीय उद्योग मंत्रालय मी शिफारस करून लवकरात लवकर करण्याचा प्रयत्न करतो, कारण त्यातली माहिती आज नाही किंवा पटल्यावर ठेवतो। राजेश टोपे।